नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो बहुत सारे दोस्त अक्सर वीडियोस देखते रहते हैं चैनल पर, तो बहुत सारी उनकी समस्याएं भी होती हैं, तो वो प्रश्न करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने एक मैंने वीडियो डाली थी, 3 ताल के बोल अच्छे ढंग से कैसे बजाएं, तो उस पर बहुत सारे मैसेज आए थे। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं उन्होंने अपनी अपनी बताई थी दोस्तों ने। तो उन्होंने पूछा था कि सर इन बोलों को कैसे निकाले, ये बोल निकाले नहीं जा रहे हैं तो कैसे करें। तो चलिए आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। और बहुत सारे वेरिएशन ऐसे 3 ताल के जुड़े हुए हैं बीच में, जो बहुत सारे दोस्तों को बजाने में मुश्किल लगे, और उनको कैसे सही करें अपने रियाज को, और जो बोल नहीं निकल रहे हैं उनको कैसे निकाले बड़ी आसानी से। तो लास्ट तक वीडियो आप ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप 3 ताल की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो आप पहले शुद्ध बोल बजाएं 3 ताल के, और कम से कम 10-15 मिनट हर रोज़ रियाज करें 1 मंथ तक। और लगातार जब आप रियाज करेंगे और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे, तब आपकी जो 3 ताल है वो अच्छे ढंग से निकलेगी, और आपकी जो लय के ऊपर पकड़ है वो अच्छे ढंग से बनेगी। अब दोस्तों ने यह भी पूछा था कि सर नगमे के साथ रियाज कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने नगमे के साथ ही रियाज करना है। जब कोई नगमा या लहरा आपके साथ बज रहा है तो फिर आप बड़ी आसानी से उसी लय में चलेंगे, नहीं तो लय आगे पीछे होती रहेगी। तो नगमे के साथ रियाज करें, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बजाना कैसे है तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने शुद्ध स्वरों को, जो दोस्तों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए वो सभी का आंसर इसमें बता रहा हूँ। देखिए 3 ताल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 3 ताल बहुत सारे ख्याल में, बहुत सारी ऐसी बंदिशों में बजाई जाती है जो अत्यंत जरूरी है। तो चलिए अब 3 ताल की समस्याएं दूर करते हैं। सबसे पहले जो दोस्त ने कहा था कि सर सिंपल बजाने में मुश्किल हो रही है, डग्गे पर बैलेंस नहीं बन रहा है। तो देखिए इससे जुड़ी हुई मैंने वीडियो डाली है अपने चैनल पर कि 3 ताल में बैलेंस कैसे करें, वो भी आप देख सकते हैं। पर उसमें मैंने केवल बैलेंस के बारे में बताया, पर इसमें मैं डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए डग्गे पर क्या होता है, हमारी दो उंगलियाँ चलती हैं, ये दो उंगलियाँ फर्स्ट और सेकेंड, कैसे देखिए, बस समझ लीजिए कि आपने सेकेंड को थोड़ा सा यहाँ से दबाकर यहाँ पर मारना है, यहाँ पर दबाकर सेकेंड को, ये सेकेंड हमारी जो उंगली है, कैसे ये मैंने दबाया हुआ है, साउंड आपको पता चल रही है, हेडफोन ज़रूर लगा लें तभी पता चलेगा। ये दबाया और ये छोड़ा, फर्स्ट फिंगर से आपने छोड़ना है, तो ऐसे ही शुरू करना है। और अगर ये बैलेंस आप बनाना चाहते हैं लगातार सही बने, तो डग्गे पर ही रियाज कर लें। ये है गे गे बोल, गे 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 गे। इसका कम से कम आप 2-3 मिनट रियाज करें लगातार, और फिर आगे 3 ताल की बजाने की प्रैक्टिस करें। जब ये बैलेंस बन जाए तो आप 3 ताल को बजा सकते हैं, पर इसमें आपने स्पीड स्लो रखनी है पहले, और धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाना है। जब लगे कि आप एक अच्छी स्पीड पर कंफर्टेबल हैं, तब 3 ताल को आप पूरा बजाएं। अब कैसे देखिए, अब देखिए एक दोस्त ने कहा है कि सर जो पूरी 3 ताल है वो अच्छे ढंग से शुद्ध नहीं बज रही है। तो देखिए अब ध्यान से देख लें, पहली जो मैंने बता दिया कि जो सेकंड फिंगर है उस पर थोड़ा सा यहाँ से दबाना है। अब देख लीजिए धा आपका दबा कर बन रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा दबाया हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा दबाना है, बिल्कुल, तो ये बन गया धा। इधर ना है साइड पर, किनार पर ना। अब देखिए धा धिन धिन, अब देखिए फिर देख लीजिए धा धिन 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 धिन, ये हमारा तिन से बना, इधर गे गे होगा, ठीक है, इधर गे गे होगा, तिन तिन। देखिए अब धा धिन 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 धिन, तो ये धिन एक पहला खुला है, दूसरा दबाया हुआ है सेकंड फिंगर से, तो बस इसको समझ लीजिए धा धिन धिन धा। एक बार दबाना है, एक बार छोड़ना है, सेकंड से दबाना है, फर्स्ट से छोड़ना है, बस ध्यान में रख लें आप। धा धिन धिन धा
आगे सिंपल है, तिन तिन ता धिन। अब ये गलती करते हैं बहुत सारे दोस्त, कह रहे हैं कि जब हम सर स्पीड में जाते हैं तो डग्गे पर अटक जाते हैं, क्या प्रॉब्लम होगी? तो ये प्रॉब्लम है, अब समझ लें कि ये एक प्रॉब्लम क्या है, कि क्या करते हैं जब तिन तिन ता तिन तिन ता, अब देख लीजिए, दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता ता। अब इसके बाद जो धिन आ रहा है वो बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड फिंगर से बजा देते हैं। अब समझ लीजिए कि गलती क्या हुई, ता धिन धिन दा। अब समझ लें कि जब आपने शुरू की थी तीन ताल, वो सेकंड फिंगर से शुरू की थी, वो फिर सेकंड से ही शुरू होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम भी, यानी कि जब वो लगातार चले तो सेकंड से ही शुरू होनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए हम ता, अब इससे धिन धिन सेकंड से शुरू कर दें, वैसे फर्स्ट से बजेगी, सेकंड से शुरू करेंगे तो फिर सेकंड पर ही आ जाएंगे। देखिए, ता धिन धिन धा, तीन बोल हैं, धिन धिन धा, तो पहला जो बोल हमारा आएगा फिर तीन ताल का, वो फिर फर्स्ट फिंगर से बजाना पड़ेगा और सारी तीन ताल गलत हो जाएगी। तो इसलिए ये टेक्निक समझ लें, सेकंड फिंगर से आपका जो बोल है ता धिन जो आएगा वो फर्स्ट फिंगर से आएगा, ता धिन धिन धा। अब देखिए, यहाँ धा आ गया तो फिर फर्स्ट सेकंड फिंगर से धा आ गया हमारा, तो लगातार बजाएंगे। देखिए, ता धिन, अब ता धिन इससे नहीं आना चाहिए, फिर बता रहा हूँ, ता धिन धिन धा। अब सही है बिल्कुल, ता धिन धिन धा, ता धिन धिन धा, स्लो, ता धिन धिन धा, धा यहाँ पर आ गया, तो फिर सेकंड फिंगर से फिर शुरू है। अब पूरी बजाता हूँ, देखिए, ता तिन तिन ता ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ऐसे आप बहुत आगे स्पीड में ले जा सकते हैं। देखिए, तो समझ गए होंगे आप, जितनी मर्जी स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं पर बीच में उंगलियां नहीं अटकेगी। तो मेरे दोस्त का जो समस्या थी दोस्त की, वो हल हो गई होगी, आप ऐसे प्रैक्टिस कर लें। अब एक दोस्त का मैसेज आया था, तीन ताल से वो भी जुड़ा हुआ था, कि सर आपने एक वेरिएशन बताया था, कैसे? ये हमें समझ नहीं आया। तो देखिए, समझ कैसे आएगा कि जब आप एक एक बोल को अच्छे ढंग से ध्यान से देख लें। अब देखिए कैसे, धा धिट धिन ना, धा धिट धिन ना, धा धिट धिन ना, ता धिट धिन ना, समझ गए होंगे, धा धिट धिन ना। उस वीडियो को ध्यान से आपने देखा नहीं होगा जो मैंने बताया था वेरिएशन में, सिंपल बोल है, धा धिट धिन ना, में तिट उल्टा है, डिट डिट, तो डिट उल्टा है हर जगह, डिट 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 डिट। अब देखिए, धा डिट धिन्ना, धा डिट धिन्ना, धा डिट धिन्ना, धा डिट धिन्ना। और मैंने ये आपको बता दिया था, क मैं इसलिए लगाता हूं कि जो तबले की साउंड है वो भर जाए और अच्छी लगे तिन पर, तो इसलिए मैं साथ में क भी लगा लेता हूं। तो बहुत सारे दोस्त इसके बारे में भी पूछते हैं कि सर क लगाना ज़रूरी है? तो नहीं भी ज़रूरी है, आप ना लगाएं, क्योंकि स्पीड में जब आप जाएंगे तो क नहीं लगेगा, फिर तिन ही लगेगा ओनली, तो फिर ना लगाएं। और अगर लगाना चाहते हैं स्लो स्पीड में तो क लगा सकते हैं, तो ताल और अच्छी लगेगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप संगीत के परिवार से आगे बढ़ते रहें और आप संगीत में बहुत अच्छा करते रहें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।